पुलिस के गुन्हे प्रतिकरण पथक ने हिंगनघाट रेलवे स्टेशन टिकट घर के सामने से अवैध दारू प्रकरण में आरोपी पर गुन्हा नोंद करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम अमित विजय भट्ट उम्र 9 वर्ष जो कि इतवारा खंजर मोहल्ला वर्धा का रहने वाला है और इसके ऑफिसर चॉइस कंपनी की विदेशी दारू की 72 बोतलें जिनकी कीमत कुल 21,600 रुपए है और एक वीवो कंपनी एंड्रॉइड मोबाइल 28,000 रुपए लागत का और ऐसा करीबन 49,600 रुपए का माल जब्त किया गया है। इस प्रकरण आगे की जांच प्रशांत वाटखेड़े कर रहे हैं। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, डॉक्टर सागर कवड़े, अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कदम, उप विभागीय पुलिस अधिकारी हिंगनघाट, उप विभाग के मार्गदर्शन में थानेदार कांचन पांडे, सहायक पुलिस निरीक्षक प्रशांत पाटनकर के नेतृत्व में की जा रही है। NBCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।